हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एम पैटर्न, जिसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न के नाम से भी जानते होंगे, और स्क्रीन पे यहां पे आपको क्लियर कट एम पैटर्न दिख रहा होगा। इसके बारे में आपने पहले ही वीडियो देखा होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपने गैदर किया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इस पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेते होंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ही उठाना पड़ता है। लॉस क्यों उठाना पड़ता है? क्योंकि लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना कहाँ पे नहीं करना इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे फोकस करेंगे कि इसको आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और स्पेशली जो हमारा नेक लाइन रहता है जहाँ पे हमें एंट्री लेना रहता है उस पोर्शन पे भी लोग फोकस नहीं करते हैं, और वहाँ पे कभी कभी जल्दबाजी करके और कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट करके वहाँ पे भी नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना है और यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, टारगेट प्राइस कहाँ पे होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये पैटर्न दिखे इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और इस पैटर्न को आप चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसका तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो यहां पे सबसे पहले हम इस पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में इस पैटर्न को लेके डाउट रहता और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं रहता। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बना सकते, इसको सही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकलता है और पहले से भी यहाँ पे आपका डिस्टेंस लेवल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इस लाइन पे हम फोकस नहीं करें, प्राइस आपका यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाता है। अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाने के बाद एक पार्टिकुलर लेवल जो आपका हो सकता है कि पहले से भी ये रेजिस्टेंस लेवल बनाओ या फिर नहीं भी बनाओ, यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, जो बायर हैं वो क्या हो जाते हैं, बायर्स थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट जिन लोगों ने इस लेवल या इस लेवल कहीं पे बाई किया वो यहाँ पे क्या करने लगते हैं, वो यहाँ पे सेल करके मार्केट से एग्जिट करने लगते हैं। यानी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है, और आपको आइडिया है कि प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट गिरता है लेकिन ज़्यादा गिरता नहीं है, एक पार्टिकुलर लेवल के बाद वापस से अपसाइड मूव पकड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आपका यहाँ से नीचे साइड की तरफ गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा, यहाँ पर आने के बाद वापस से क्या हो गया, बायर्स यहाँ पे एंट्री करना स्टार्ट कर दिया है। अब वापस यहाँ से प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाने लग गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा लेकिन वापस से ये जो पहला लेवल था जो कि आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, वहाँ पे आने के बाद वही सेम स्टोरी हुआ, बायर्स यहाँ पे भी क्या हो गए, कमज़ोर हो गए और वापस से इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब जब लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आया था तो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था, और दूसरी बार भी आया तो इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ पे पहला टॉप यहाँ पे बना, दूसरा टॉप यहाँ पे बना, इसलिए इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्राइस इससे ऊपर जाने वाला नहीं है, और इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर पूरा का पूरा सेलर्स का इलाका रहता है, सेलर्स का कब्जा रहता है। तो जब देख रहा है कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा तो यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे वापस से आपका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा, एक और काम हो रहा, यहाँ पे फ्रेश सेलिंग भी हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रहा था, यहाँ पे दोनों काम हो रहा, प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग दोनों हो रहा, मतलब यहाँ पे प्राइस आपका तेजी से नीचे साइड की तरफ गिरेगा, क्या बनाएगा, लोअर लो पैटर्न के साथ ये आपका प्राइस तेजी से नीचे साइड की तरफ गिरेगा। जितने तेजी से यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा उससे कई फास्ट तेजी से, उससे कई तेजी से प्राइस आपका यहाँ पे नीचे साइड की तरफ आएगा, और जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल बना है पहले से हो या फिर ये लेवल फॉर्म किया हो इसको ब्रेक करते हुए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ जाएगा। तो इस पोर्शन को हम डिटेल से समझते हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, इसी लेवल के आसपास हमें एंट्री लेना, और यहीं पे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं, जिसके कारण से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। तो चलिए इस वाले पोर्शन को डिटेल तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो अब देखिए, ये लेवल क्या था, पहले आपका सपोर्ट लेवल था, अब इसके बाद क्या बन गया, इसके बाद ही आपका बन गया रेजिस्टेंस लेवल, यानी सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला, यानी नीचे साइड की तरफ प्राइस जाएगा, इसका हमें हिंट मिला। तो अगर आपको एंट्री लेना है तो पहला एंट्री हम यहीं पे ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता,
प्राइस यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो भी लोग पहले सेल किए होंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, इससे पहले कहीं पे भी सेल किए होंगे, वो देखते हैं कि प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे चला गया और वो यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। यानी जो वीक सेलर हैं, जिस सेलर्स में भरोसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करके मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं। वो यानी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं। इसी कारण से क्या होता है, प्राइस आपका वापस से अपसाइड की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वापस से सेलर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे जो सेलर्स का एंट्री होता है वो स्ट्रांग सेलर्स का एंट्री होता है, जिनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और वो मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्राइस आपका ज़बरदस्त काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना, एंट्री आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, पहला आपको एंट्री यहीं पे लेना है। अगर आप बाय चांस किसी भी कारण से यहाँ पे एंट्री मिस कर देते हैं तो कई बार आपको दोबारा मौका मिलता है और कई बार आपको ये दोबारा मौका नहीं भी मिलता है। कई बार प्राइस वापस से इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है, रिटेस्ट करता है, लेकिन कई बार यहीं से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, दोनों जगह आपका एंट्री के लिए परफेक्ट रहता है। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना, ये सारा कुछ हम चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं, ये आपका आईएसएल मोटर्स का डेली वाला चार्ट है। अब यहाँ पे जो भी चार्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ही इस्तेमाल करेंगे, इसे नीचे वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बेसिस पे जो फॉल्स सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, फिर हम ट्रैप में आसानी से फंस सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम डेली चार्ट ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे हमें एम पैटर्न आइडेंटिफाई करना, जो कि हम नेक्स्ट आई से भी काफ़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रहा तो सिर्फ आप ये पोर्शन आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे दो टॉप आपका ऑलमोस्ट सेम हो। कई बार आपका दो टॉप सेम भी हो सकता है, कई बार एक टॉप आपका यहाँ पे दूसरा टॉप यहाँ पे बन सकता है, कई बार पहला टॉप यहाँ पे दूसरा टॉप कई बार नीचे भी बन सकता है। तो ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना, नहीं पता चल रहा तो ये टॉप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे ड्राइंग करके देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको चार्ट पे ये पैटर्न हमें क्लियर कट देखने को मिल रहा है, अगर आप नेक्स्ट आई से देखो तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, जो डबल टॉप का फॉर्मेशन है, पहला टॉप आपका यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ पे बना है, अब आप काफ़ी हद तक इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, यहाँ पे पहला टॉप दूसरा टॉप यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोलते हैं। यानी तो पूरा स्टेप अगर आप ड्रॉ करेंगे, पूरा स्टेप मैं आपको ड्राइंग कर देता हूँ, देखिए ये पहला टॉप प्राइस नीचे आया, दूसरा टॉप प्राइस नीचे आया, ये क्या बना है, ये आपका एम शेप बनाया है, इसलिए इस पैटर्न का नाम भी रखते हैं एम पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न। तो चलिए इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सबको वापस से एक बार और चार्ट पे समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एक टॉप बनाया और यहाँ पे आते आते क्या हुए, बायर्स थोड़े से कमज़ोर हो गए और वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद यहाँ से प्राइस आपका नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और ये क्या हो सकता है, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग है, जिसको हम लोग पीबी के नाम से डाल देते हैं। उसके बाद प्राइस आपका एक लिमिटेड लेवल तक गिरा, यहाँ तक गिरा और उसके बाद वापस से यहाँ पे बायर्स हावी हो गए, वापस से बायर्स यहाँ पे एंट्री करने लग गए हैं, वापस से प्राइस आपका ऊपर गया और ये जो क्या बना, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल बना, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ही प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ लौट गया, यानी ये आपका एम पैटर्न बना दिया। अब ये जो लेवल है ये हमारा क्या है, ये हमारा नेक लेवल है और इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पोजीशंस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, किस तरफ, सेल साइड की तरफ, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, अगर इससे पहले या फिर इसके आसपास कोई बिग कैंडल दिख रहा है तो उस बिग कैंडल के टॉप मोस्ट पॉइंट को हम एज अ एसएल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे स्मॉल कैंडल है तो क्या करेंगे, इस पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट या फिर इस पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट, इसको आप एज अ स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हैं। इस पैटर्न के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये आपका प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा, बाकी स्टॉप लॉस में थोड़ा बहुत आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस इसके हिसाब से ट्रेल भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस इनिशियल पीरियड में थोड़ा सा बिग बनता है और जैसे ही मार्केट आपके फेवर में 2-3% का मूव दिखाता है तो आपको क्या करना, स्टॉप लॉस
बाइंग प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस से ऊपर ले आना, यानी एनी हाउ अगर मार्केट मेरे फेवर में 2-3% मूव किया है तो हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको स्टॉप लॉस के साथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी ये सब आप भी आपको लॉस मैनेजमेंट में सीखना पड़ेगा, और लॉस मैनेजमेंट के ऊपर हम अलग भी एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री इस लेवल पे लेना और यहाँ पे हम एज ए एसएल के रूप में इसको रखेंगे। अब देखिए हमारा टारगेट प्राइस क्या बनेगा, जो इसका लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा टारगेट प्राइस बनेगा, यानी फर्स्ट टारगेट प्राइस हम इस लेवल को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम एंट्री ले रहे हैं लगभग आपका 2700 करीब, यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, और मेरा जो टारगेट प्राइस होगा लगभग आपका 2550 के करीब टारगेट प्राइस होगा, यानी लगभग आपका 150 पॉइंट का टारगेट प्राइस हो गया। 150 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे मुझे लगभग 6-7% का प्रॉफिट आसानी से मिलता हुआ दिख रहा है, ज़्यादा यहाँ पे हमें वेट भी करना नहीं पड़ा है। हम यहाँ पे एंट्री लिए, उसके बाद 4 डेज में ही हमें लगभग 6-7% का प्रॉफिट आसानी से मिल गया है, और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कहानी सारा कुछ सेम है, जो स्टोरी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, सेम स्टोरी सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप का एम पैटर्न या फिर डबल टॉप पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिले। अब यहाँ पे जो हम चार्ट पे आ गए, ये आपका डेविस लैब का चार्ट, और पहले ही बता दिया यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको एम पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से नेक्स्ट आई से एम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर भी लिया होगा। नहीं किया तो मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, यहाँ पे पहला टॉप यहाँ बना, दूसरा टॉप यहाँ बना, अब तो मैक्सिमम लोगों ने लगभग सारे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे क्या बना, दोनों टॉप ऑलमोस्ट आपका एक ही लेवल पे बना है। तो कई बार आपको सेम लेवल टॉप बनेगा, तो कई बार ये ऊपर नीचे होते रहता है, हमेशा आपका परफेक्शन के साथ नहीं बनेगा। तो इस पैटर्न में भी नेक लाइन क्या है, आपको नेक लाइन पे ही फोकस करना। जैसे ही पैटर्न बन गया हमें एंट्री कहाँ पे लेना, इस नेक लाइन के बेसिस पे हमें एंट्री लेना है। तो क्या करेंगे, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आए, यानी हम यहाँ पे 5000 के करीब ही हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। जैसे इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्राइस एक्शन को देख लिया। नीचे आने का मतलब ये कि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी हैं, और सेलर्स जो हावी हुए कब, बायर्स कमज़ोर हुआ है तब यहाँ पे सेलर्स हावी हुए हैं। इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाएगा। और टारगेट प्राइस की बात करें तो पहला टारगेट प्राइस हमारा ये लेवल होगा, जो कि आपका है 4750 के करीब। तो यहाँ पे लगभग आपको 250 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। 250 पॉइंट का प्रॉफिट का मतलब है कि यहाँ पे आपको 5% का रिटर्न आसानी से मिलता हुआ दिखा, और 5% का रिटर्न कितने दिनों मिला, लगभग आपका जिस दिन आपने एंट्री लिया उसके नेक्स्ट डे ही आपको एंट्री मिल गई, यानी 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पे आपको आसानी से 5% तक का रिटर्न मिल गया, जो कि बहुत बड़ा रिटर्न होता है। और यहाँ पे हम ये प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप ट्रेलिंग एसएल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस लेवल के आपका एसएल हिट होगा, और यहाँ पे आपको 2-3% का प्रॉफिट भी आसानी से मिलता हुआ दिख जाएगा। और इन दोनों जगह पे आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, कई बार आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलेगा और कई बार आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। कई बार प्राइस आपका वापस से यहाँ पे मूव करते हुए इस नेक लाइन के पास वापस से आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका वापस लौटा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ न्यूज़ या इवेंट हुआ होगा उसके कारण से प्राइस आपका ज़बरदस्त ऊपर निकल गया, और ये आपके एसएल को ही यहाँ पे हिट कर दिया है। तो इसलिए आपको जब प्राइस आपके टारगेट करीब आ जाए तो टारगेट बुक कर लीजिए, या नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ऐसे ही ओपन नहीं छोड़ना, ओपन छोड़े होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिजास्टर हो गया होगा, 5% के प्रॉफिट से आप अच्छे खासे नुकसान में आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कोल इंडिया का, यहाँ पे भी हम डेली चार्ट ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप एम पैटर्न आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं ये आपका एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। अब देखिए नेक लाइन हमारा क्या है, ये हमारा नेक लाइन है। अब यहाँ पे एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, लेकिन ये नेक लाइन को भी ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस आपका नेक लाइन के करीब ही ट्रेड करने लग गया है, यानी ये एम पैटर्न आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरह के एम पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें फॉल्स सिग्नल देता है, जो कि हमें ट्रैप में फंसाने का काम करता है। यानी ये जो एम पैटर्न है ये आपका
वीक एम पैटर्न है, कमजोर एम पैटर्न है, और इसका आइडिया हमें पहले से पता चल गया था और इसके बेसिस पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इनफैक्ट ये एम पैटर्न बनने के बाद ही हमें पता चल गया था कि ये कोई काम का नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमें कैसे पता चल गया था और कैसे हम वीक एम पैटर्न एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग एम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमारे साथ आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।